देगरा शहर के आनी नाका पुल से नदी में कूदकर एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने मंगलवार को अपनी जान गंवा दी। यह घटना भले ही सीधे तौर पर आत्महत्या की घटना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की कृपा से पुल को रेलिंग यानी कठड़े नहीं होने से नदी में कूदकर जान देना बेहद आसान हो गया है। क्या अब भी प्रशासन नींद से जागेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। मंगलवार की शाम 6:30 बजे आर्मी नाका पुल से एक 65 वर्षीय वृद्ध ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी में छलांग लगाने वाले वृद्ध का नाम सिद्धार्थ नगर निवासी राजेंद्र लक्ष्मण हलौले उर्फ राजा है। मृतक राजा एक चाय कैंटीन पर मजदूरी किया करता था। मंगलवार की शाम 6:30 बजे उसने अचानक आर्मी नाका के धावंडा नदी पुल से नदी में छलांग लगाई। इस घटना का पता चलते ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही दिग्रस पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर तहसीलदार को इस घटना की फोन पर जानकारी दी और मृतक के शव को नदी से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद एक बार फिर आर्नी नाका पुल की बदहाली सामने आई है। इस पुल पर रेलिंग या कठड़े नहीं है, ऐसे में आत्महत्या के इरादे से आकर मंगलवार को मृतक राजा ने यहां आसानी से नदी में कूदकर जान गंवा दी है। वैसे भी इस पुल से यहां हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं, जिसमें दुपहिया चारपहिया ऑटो इन वाहनों से लेकर पैदल चलने वाले राहगीर स्कूली विद्यार्थी बूढ़े बड़े नागरिक सभी शामिल है। बगैर कठड़े वाले इस पुल से गुजरना खतरनाक साबित हो रहा है। इस बारे में NBCN न्यूज ने कई बार इस समस्या को लेकर खबरें प्रकाशित की है। हाल ही में हमने बगैर रेलिंग या कठड़े वाले इस पुल की तुलना शोले फिल्म के हाथ कटे ठाकुर की बदहाली से की थी। अब ऐसा लगता है यह पुल अगर ठाकुर है तो संबंधित प्रशासन ठाकुर की जिंदगी बर्बाद करने वाला गब्बर सिंह है, जो इस पुल के लिए ही नहीं बल्कि यहां से गुजरने वाले आम लोगों के जिंदगी के साथ खेल रहा है। इस पुल को खड़े लगाए जाते हैं तो न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा, बल्कि आसानी से नदी में कूदकर जान देने वालों की आत्महत्याओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।